3 नवंबर 1787 मोजार्ट, आप जानते हैं कि वो दुनिया के महानतम संगीतकारों में से एक थे, अपने घर के बाहर बैठे मदिरा पी रहे थे। अगले दिन प्राग में डॉन जियोनी ओपेरा का प्रीमियर था और अभी तक उन्होंने उसका मुखड़ा नहीं लिखा था। जब वो घर पहुंचे तो नींद से बोझिल थे और अब मुश्किल थी कि वो मुखड़ा लिखें कैसे। लगातार बहुत दिनों से तो बहानेबाजी करते जा रहे थे। ऐसे वक्त में उनकी पत्नी काम आई और लगातार उन्हें जगाए रखने के लिए उन पर मुक्के से प्रहार करती रही और तब जाके उन्होंने उसका मुखड़ा लिखा और डॉन जियोनी उनकी महान रचनाओं में से एक है। तो दोस्तों, बीवियां अगर हों तो बहानेबाजी आदमी कम कर सकता है और वो हमेशा ताकीद करती रहती हैं। मैं भी जब बहानेबाजी करता हूँ तो श्रीमती जी मेरी औकात बता देती हैं। ऐसा नहीं है कि मोजार्ट ही बहानेबाजी, प्रोक्रेस्टिनेशन या टालमटोल के शिकार थे। हम और आप भी इसके शिकार होते हैं, और अगर आप सोचते हैं कि आप ही इसके शिकार हैं तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बड़े बड़े प्रतिभाशाली लोग भी इससे बच नहीं सके। लियोनार्डो द विंची, जिसे आधुनिक दुनिया का पहला मनुष्य यानी फर्स्ट मॉडर्न मैन कहा गया था, वो गजब के प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार थे। मोनालिसा बनाने में उन्हें 16 साल लगे और वर्जिन ऑफ द रॉक को उन्होंने 13 साल में बनाया। लास्ट सफर की रचना करने में उन्हें 3 साल लगे। ऐसी भी परिस्थितियां बनी कि जब उन्हें कोई शाहकार बनाने के लिए किसी ने उनको नियुक्त किया तो उसे यह भी कहना पड़ा कि अगर तुम जल्दी इसे नहीं बना के दोगे तो मैं दिवालिया हो जाऊंगा। तो दोस्तों, बड़े बड़े लोग प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हुए हैं और रहते हैं, और हम सब तो आए दिन इस बात से दुचार होते रहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि ऐसा होता क्यों है, हम बहानेबाजी करते क्यों हैं, इसकी वजह क्या है। अभी हाल में आई एक रिसर्च से पता चला कि 8% लोग जो होते हैं वो अपने सपनों को साकार करते हैं और बाकी सब लोग बहानेबाजी करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से ये बड़ी समस्या है हम सब लोगों के बीच में। तो चलिए इस पर बात करते हैं कि ये होता क्यों है, हम ऐसा करते क्यों हैं। असल में हमारा दिमाग जो है वो हमेशा इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए ही तैयार होता है काम करने के लिए, और जो भी चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं है या बोरिंग है या जिससे तकलीफ हो सकती है, जिसमें मुश्किल का एहसास होता है, उससे वो बचने की कोशिश करती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसका काम है कि हमको सुखी बनाना। इसके लिए मस्तिष्क में एक सिस्टम होता है जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। लिम्बिक सिस्टम हमारे सुख अनुभूति के लिए हमेशा हमें दुख से बचाने के लिए प्रयास करता रहता है। अगर मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं और 2 महीना एग्ज़ाम है, तो लिम्बिक सिस्टम आपके इस काम के लिए कहना शुरू करेगा कि भाई ऐसा 2 महीने हैं अभी, तो ऐसा करते हैं कि अभी तो थोड़े सिनेमा उनमा देख लो, थोड़ा मौज मस्ती कर लो, जब 10-15 दिन बचेंगे तो पढ़ाई की जाएगी। पर एक दूसरा सिस्टम है हमारे ब्रेन में जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। उसका काम क्या है, वो ठीक इसके अगेंस्ट रहता है। उसका काम ही ये है, वो रीजनिंग करता है, वो योजनाएं बनाता है, वो प्लानिंग करता है, वो हमारे डेवलपमेंट की कोशिश में लगातार लगा रहता है। तो हमेशा ये होता है कि लिम्बिक सिस्टम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दोनों में द्वंद्व चलता रहता है, दोनों में एक लड़ाई चलती रहती है। ज़्यादातर लोगों के मामले में तो लिम्बिक सिस्टम जीत जाता है। अगर धूप है तो लिम्बिक सिस्टम समझा ले जाएगा आपको, यार बहुत धूप है तेज, अब ऐसे में क्या निकलना, थोड़ा सा शाम हो जाए या थोड़ा धूप हल्की हो जाए तब चलते हैं। पर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपको लगातार बताने की कोशिश करेगा कि नहीं, अगर तुम निकलोगे, बाहर जाओगे, अगर तुम एग्जामिनेशन की अभी से तैयारी करोगे तो तुम्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तुम सोचो कि अगर तुम फेल हो जाओगे तो लोगों से क्या कहोगे, लोग तुम्हें क्या कहेंगे, और एग्ज़ाम से पास होने के बाद तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे साथ रहेंगे, हो सकता है कि अगर तुम फेल हो जाओ तो वो आगे निकल जाए, और फेल हो जाने से कितनी शर्मिंदगी होती है। तो हमेशा एक ड्राइविंग फोर्स की तरह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम करता है और ये लड़ाई इन दोनों में चलती रहती है।